उत्तरी बिहार का जिला मधुबनी अपनी चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है। मिथिला क्षेत्र की अपनी ये प्राचीन चित्रकला मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकला के नामों से भी जानी जाती है। हजारों वर्ष पुरानी मिथिला की ये चित्रकला आज नए आयामों को छू रही है। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग से ही नाम जाना जाता है। ये नाम हमारे देश विदेश हर जगह में है और हम चाहते हैं जो इस पेंटिंग को जितना आगे बढ़ाएं, जो आगे का जनरेशन तक को हम इस पेंटिंग से बताएं, जो हमारा ये कल्चर है, हमारे पुराने ज़माने के जो बहुत पुराने बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी करती थी। पेड़ों पर बनी ये खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग से जहाँ बाग बगीचों की खूबसूरती निखरती है, वहीं पेड़ों की कटाई पर भी अंकुश लगता है। बात यही नहीं रुकती, कागज पर चित्रकारी के साथ साथ आज ये मिथिला की धरोहर कपड़ों से लेकर हस्त निर्मित वस्तुएं और अन्य विभिन्न सामानों पर भी अपनी कलाकारी की छटा बिखेर रही है। जो हम लोग अपने आंगने में अड़िपन देते थे, वो चावल का ही घोल बना के उसी से बने करते करते कागज पे बनाने लगी, फिर कपड़ा पे बनने लगा, वो रंग कलर से और दीवार पे बनने लगा। और हम लोग में शादी उदी में भी होता है कि बिना कोबर का तो शादी होता नहीं है, उसमें भी पेंट होता ही है। इस पुरानी और अनोखी चित्रकला का इतिहास काफी पुराना है। जानकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मिथिला चित्रकला की शुरुआत राजा जनक ने की थी। अपनी बेटी सीता के विवाह की खुशी में राजा जनक ने गाँव के घरों को सजाने के लिए घर की दीवारों पर ये चित्रकला बनवाई। तब गांव की महिलाओं ने भगवान के चित्र के साथ साथ राम और सीता के विवाह का वर्णन भी अपनी इसी चित्रकला से किया। सीता के सकल देखी झांकती ने जान करी। इस पौराणिक और लोकप्रिय चित्रकला में चित्रकारी प्राकृतिक रंग और बांस की कमची से किया जाता है। चित्रकला में बनाए जाने वाले मछली के चित्र मिथिला की समृद्धता को दर्शाती है। उसी तरह महिलाओं और भगवान के बने चित्र यहाँ की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। पहले ताव पेपर आता है, वही पर बनाते हैं, वही पर में हाथ बैठ गया, तकर बाद मैंने आया ये पेपर पर में बन गया, तो कपड़ा पर में बनाने लगे। कपड़ा पर में वाल पीस, साड़ी, दुपट्टा, सारी चीज़ बनाते हैं। वर्तमान स्वरूप में मधुबनी चित्रकला घर की दीवारों कोहवर घरों से निकलकर ये अब नगर महानगर ही नहीं देश और विदेशों में भी खूब शोभा बढ़ा रही है। मधुबनी पेंटिंग आज तो विश्व के लगभग हर कोने में है, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, अमेरिका हो, और इस पे जापान से, केनिया से बहुत से लोग आए यहाँ रिसर्च करने, जर्मनी से भी आए और इंडिया के भी लोग आते हैं रिसर्च में, तो ये विश्व प्रसिद्ध पेंट कला है। बदलते स्वरूप और बढ़ती मांग ने इस चित्रकला को अब गांवों के लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ये व्यवसाय का रूप भी ले चुकी है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहाँ की कई महिला संगठनों ने इस चित्रकला को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।